अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आप सबकी बजिया, और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चने की भुनी हुई दाल फ्राई। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 कप दाल जो है 1 घंटे पहले भिगो दी थी, उसके बाद इसे जो है मैंने बॉईल कर लिया है, तो ये इस तरह से हो गई है, गल गई है। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इन्हें बारीक बारीक स्लाइस किया है। ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। ये मैंने अचार गोश्त जो बनाया था उस दिन, मसाला उसका बनाया था, वो बचा हुआ मसाला है। ये मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ही मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें ली हैं, और ये गरम मसाला है, और ये 1/2 टीस्पून से भी कम जो है मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है, और नमक भी 1/2 टीस्पून लिया है, क्योंकि 1/2 टीस्पून नमक मैंने दाल उबालते में डाला था। फिर मैं इसमें ये चिकन क्यूब इस्तेमाल करूँगी, इसमें भी नमक होता है। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, ये 1 लेमन है, और ये कड़ी पत्ता, जिसका आखिर में हम बाजार लगाएंगे, और ये कुकिंग ऑयल, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और इसके साथ मैंने 2 हरी मिर्चें भी जो है पीस ली थी। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने इसमें तेल डाला है, थोड़ा सा तेल जाए, फिर ऊपर से तड़का लगाएंगे उसमें भी डलेगा। कढ़ाई मेरी पहले से मैंने गरम की थी, अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। ये 1-2 मिनट ज़रा लहसुन अदरक भुन जाएगा, तो फिर इसमें मैं ये ड्राई मसाले डालूँगा। ये देखें, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो हैं ये भुन गई हैं, इसमें मैं ये सारे ड्राई मसाले डाल रही हूँ। ये अचार का मसाला जो है, ये भी मैंने ये पूरा नहीं डाला, 1 टेबल स्पून के करीब डाला है मसाला। मैं थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि मसाला जले ना। मसाले को ये मसाला भुन गया है, अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी। हम टमाटरों को अच्छी तरह से भूनेंगे, तो तक जब तक टमाटर गल के मसाले के साथ एक जान ना हो जाए। ये देखें, टमाटर काफ़ी हद तक हमारे गल गए, मैं ज़रा इसे अच्छी तरह से भून लूँ। ये देखें जनाब, अच्छी तरह से भून गया है बिल्कुल, टमाटर और मसाला सब एकदम हो गया। मैं इसमें ये दाल डाल दूँगी। दाल को अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स करेंगे। देखा आपने कितनी फटाफट तैयार हुई है दाल।
इसका ये जो है चिकन क्यूब, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखें चिकन क्यूब जो डाली थी वो बिल्कुल एकदम हो गया। अब इसके साथ मिक्स कर दूंगी मैं। ये दाल हमारे यहाँ सब बहुत शौक से खाते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसे मिक्स करके ढाक के जो है मैं दम पे लगा देती हूँ। ये देखें मसाला और दाल वगैरह सब एक जान हो गई है, ठीक है। अब ये कसूरी मेथी ये मैं इसमें डाल रही हूँ और ये मिर्चें मैंने रखी थी ये डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और ये लेमन। सर्दियों में लेमन आते बड़े अच्छे हैं रस भरे। ज़्यादा खट्टा खाने का वो हो तो आप और भी डाल सकते हैं। मैंने आधा इसलिए डाला है कि फिर घर में बाद लोग एतराज़ करते हैं, ठीक है। अब इसे मैं थोड़ी सी देर ढक के पका रही हूँ, उसके बाद मैं इस पर तड़का लगाऊंगी। अच्छा मुझे जो है थोड़ी सी खटास कम लग रही है तो ये मैं बाकी का लेमन भी जो है ना इसमें निचोड़ रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तेल गरम हो गया, इसमें ये कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं और थोड़ा सा ज़ीरा भी तो डालना है। ये थोड़ा सा जो है सौंफ मिर्च, ये हमारी चने की दाल फ्राइड राइस तैयार हो गई है और बहुत अच्छी बनी है। अब आप अपने घर में बना के बताइएगा मुझे कि कैसी बनी आपकी, आप लोगों को पसंद आई या नहीं पसंद आई, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलें जी अपने बच्चे को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द एक नई डिश के साथ आप लोगों से मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।